हेलो एवरीवन, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ हम प्लांट्स को लगा लेते हैं जो कि हमें बर्थडे गिफ्ट में आज मिला है। ये सब जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गेंदा का प्लांट है जो कि बहुत ही शुभ भी होता है। गेंदा का आपको पता ही है और बहुत ही सुंदर सुंदर इसके विंटर में फ्लावर्स खिलते हैं कई कलर के, तो हमारे गार्डन में चार चांद लग जाता है फ्रेंड्स। तो कुछ ये गेंदा का प्लांट्स है और अगला एक ये रेड गुड़हल का प्लांट है और एक ये येलो गुड़हल का प्लांट है फ्रेंड्स। और अगला हमारा ये तेज पत्ते का प्लांट है, आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी ये भी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और एक गेंदे का प्लांट इसमें है और एक गुड़हल का इसमें है और एक गुड़हल का इसमें है। और इस पॉलीथीन में हमने पानी डाल के गेंदे को रख दिया था क्योंकि ये सारे प्लांट्स सुबह ही आए थे फ्रेंड्स, तो पानी मैं इसलिए डाल दिया था कि ये हरे भरे रहें ताकि मैं शाम को लगा सकूं। और ये कुछ कटिंग्स हैं जो कि मैंने अपने ही प्लांट से लिए हैं और इसमें से एक ये कैक्टस का बहुत ही रेयर वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये विंटर में फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। और ये मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया था, तो एक प्लांट से मैंने दो बनाया है, तो कट करके मैंने कटिंग को लगा दिया था, तो देखिए कितना अच्छा से लग गया है। तो इसे मैंने आज निकाला है, इसे भी मैं आज लगाऊंगी। और इसमें कुछ ये देखिए पानी में डाला हुआ है और इसमें आज कुछ कोलियस है, कुछ मनी प्लांट्स हैं और कुछ पर्पल हार्ट है। तो ये सब पॉट को मैंने खाली किया है प्लांट लगाने के लिए। तो चलिए पहले हम मिट्टी को भर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक प्लांट को लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिट्टी में पहले हम थोड़ा सा कुछ मिला देते हैं ताकि मिट्टी हमारा पुराना है तो हेल्दी हो जाए। तो ये देखिए ऑर्गेनिक पोटास है और ये देखिए बर्मी कंपोस्ट है और एप्सम सॉल्ट है। और इसमें मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखिए फ्रेंड्स ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर इसे भी मैंने मंगवाया हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा मैं करके डाल देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सभी चीज़ को हमने इसमें मिला दिया है, ये हल्दी है, ये बर्मी कंपोस्ट है, ये एप्सम सॉल्ट है, ये ऑर्गेनिक पोटास है और ये हल्दी है और एक ये भी कोई फर्टिलाइज़र है, मुझे याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए सभी को मिक्स कर लेते हैं फिर पॉट में भर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गेंदे की प्लांट की हमने रिपोटिंग कर दिया और इसमें एक लगाया है और इन सब में दो दो को लगा दिया है, ये देखिए। तो चार पॉट को हमने तैयार कर लिया और देखिए वहाँ से मिट्टी को पूरा भर लिया है और अभी इतना सारा लगाना है। तो चलिए अब हम अगला प्लांट लगाते हैं। तो अगले प्लांट के लिए हमने यहाँ पे ज़मीन में चुनाव किया है कि मैं इस प्लांट को ज़मीन में लगाऊंगी, तो वो कौन सा प्लांट है चलिए देखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये प्लांट हमारा, ये देखिए ये हमारा तेज पत्ते का प्लांट है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए ज़मीन जो है सबसे बेस्ट रहेगा, ये देखिए इसकी ग्रोथ ज़मीन में ही अच्छी होगी। तो हमने इतने सारे होल को कर लिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसे मैं ज़मीन में लगा दूंगी फ्रेंड्स। और जो दो गुड़हल है ना फ्रेंड्स, उसे भी देखती हूँ ज़मीन में लगा दूंगी तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और ये देखिए काफ़ी इसमें से ईंटा निकला हुआ है क्योंकि समरसेबल लगा हुआ था ना फ्रेंड्स, तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा ही ईंटा था, तो इसलिए ये देखिए इसे मैंने तेजपत्ते को ज़मीन में लगा दिया है, ये देखिए। और अब इसमें मैं पानी को डाल दूंगी और थोड़ा सा इसे प्रेस करना है इस तरीके से। किसी भी प्लांट को लगाना है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा प्रेस ज़रूर करना है। और देख सकते हैं तेजपत्ते का प्लांट हमारा लग के बिल्कुल तैयार है और अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तेजपत्ते का प्लांट भी मेरा लग चुका है और इसे मैंने ज़मीन में लगाया है और अब इसमें मैं पूरा पानी दे दूंगी। तो देखिए इस तरीके से आप तेज़पत्ते के प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें।
तो देखिए मैंने अभी कुछ प्लांट्स को लगा दिया है और बाकियों को मैं अभी लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हमने तेज़पत्ते के प्लांट और गेंदे के प्लांट को लगा दिया था और आज मैं देखिए इसमें गुड़हल को लगा रही हूँ। तो सबसे पहले नीचे मैंने हल्दी को डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और अब मैं मिट्टी से कवर कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये 20 लीटर का बाल्टी है फ्रेंड्स, पौधा लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक गुड़हल को लगा दिया और ये देखिए दूसरा, तो एक लाल और एक पीला है और दोनों ही देसी ही है फ्रेंड्स। तो हल्दी को डालने से ये फ़ायदा रहता है कि हमारे प्लांट्स में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, और आपको पता ही है हल्दी एंटीसेप्टिक है, तो आप इसलिए हल्दी को लगा दीजिए, अच्छे से डाल दीजिए, यानी हल्दी को डाल दीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। तो दो गुड़हल को लगा दिया हमने, ये देखिए। तो वैसे तो मैं हरदम शाम को ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह सुबह ही लगा दिया है। तो बस इस तरीके से फ्रेंड्स सभी प्लांट्स को मैं लगा दूँगी, जितने भी और कटिंग्स हैं, और गुड़हल, तेज़पत्ता और गेंदे के प्लांट को कुछ को मैं अभी शाम को लगाऊंगी फ्रेंड्स, तो उसे भी आपसे शेयर करूंगी। और अब इसमें मैं हल्दी वाले पानी को डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि प्लांट स्टेबल हो जाए और हीले वगैरह नहीं। तो मिट्टी गीली है तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और ये देखिए हल्दी वाला पानी है तो इसमें डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो हल्दी भी डाल दीजिए और हल्दी वाले पानी को भी डाल दीजिए, और अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड हो साफ वगैरह का तो वो भी डाल दीजिए। तो इस तरीके से मैंने प्लांट्स को लगा लिया, और ये सारे मेरे बर्थडे के गिफ्ट में मिले हुए प्लांट हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी गेंदे के पौधे को हमने लगा दिए, आप देख सकते हैं। तो छोटे छोटे से पौधे थे तो दो दो को एक साथ करके लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक लाइन से हमने लगा दिया है, और साइड साइड में फ्रेंड्स पर्पल हार्ट को लगा दिया है। तो ग्रीन के बीच में पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी को लगा दिया है, और अभी मेरे पास गुलदाउदी वगैरह बहुत सारा नहीं है, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारा था और सारे के सारे ख़राब हो गए, क्योंकि ज़मीन में ही लगा हुआ था, यहाँ पे इस साइड में मैंने लगाया हुआ था फ्रेंड्स, तो समरसेबल लगा तो सारे ख़राब हो गया। इधर भी मैंने पर्पल हार्ट को लगा दिया है, आप देख सकते हैं साइड साइड में, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैंने साइड में लगा दिया है, और इधर थोड़ी सी सब्जियों को भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं, इसमें पालक है और इसमें धनिया है, और ये मूली है, और ये लहसुन है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कटिंग करने के बाद अब देखिए गुलाब में कलियां भी आने लगी हैं, देख सकते हैं आप। तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।